अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। नाज़रीन तुहाडा मेज़बान तुहाडे वास्ते एक नवी वीडियो लैके हाज़र है। तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं वीडियो वेखण वास्ते टाइम कढ़िया। अज दी वीडियो पंजाबी हीरो महाराजा पोरस दिहाड़ ते है। 9 सितंबर राजा पोरस दा दिन है। नाज़रीन अज 9 सितंबर है ते अज दा दिन महाराजा पोरस दा दिहाड़ है। पंजाब दा तारीखी सूरमा है जिन्हें पहला ईरान दे बादशाह दारा नू हिंदुस्तान उपर हमला करन दा मजा चखाया ते फिर सिकंदर यूनानी नू 9 सितंबर नू तारीखी शिकस्त दित्ती कि जिहदे बाद सिकंदर नू वापस यूनान मुड़ना पिया ते उस शिकस्त उपर पर्दा पाउण लई यूनानी मुअरखा ने हाथियां ते जख्मी पोरस वालियां कहानियां कड़ियां पईआं। सिकंदर यूनानी नू जिहड़ा कि पूरी दुनिया उपर हुकूमत बनाउण दी हवस नाल तुर्की इराक ईरान अफगानिस्तान तबाह करन तो बाद पंजाब उपर हमलावर होया सी वह पूछल दबा के वापस यूनान नसन उपर मजबूर हो गया। यह जंग सिकंदर दी जिंदगी दी आखिरी जंग साबित हुई। सिकंदर यूनानी धूड़ चटा के महाराजा पोरस सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान विच रहिंदी दुनिया ताईं अमर हो गया। 326 कमल मसीह विच सिकंदर तुर्की इराक ईरान अफगानिस्तान फतह करता होया टैक्सला विच कुछ चिर आराम करन तो बाद मई के महीने में जेलम दरिया के कंढे अपड़िया। दरिया के परले पासे महाराजा पोरस की हुकूमत सी। सिकंदर यूनानी ने महाराजा नू खत लिख के अतात कबूल करन दा कहा पर पंजाबियों ने सिकंदर की अतात कबूल करन दे खत का जवाब मैदान जंग विच तलवारां नाल देवन दा फैसला किया। महाराजा पोरस की फौज विच 50,000 फौजी सन ते दरिया के दूजे पासे जंग करन लई तैयार खलोते सन। पोरस की फौज में 200 हाथी 300 रथ 4,000 सवार 30,000 प्यादे सन। पोरस ने कोशिश की कि यूनानी दरिया पार ना कर सकन। सिकंदर नू पोरस के जंगी हाथियों को खतरा महसूस हो रहा सी पर उन्हों इन हाथियों के मुकाबले में अपने घुड़सवार उत्ते कुछ ज़्यादा ही भरोसा सी। यूनानिया ने जेलम का दरिया पार करना सौखा नहीं सी क्यों जे सावन भादों की बारिशों पारों दरिया का पानी चढ़िया होया सी। दरिया पार करन दा सौखा तरीका यह सी कि सिकंदर अक्तूबर नवंबर तक उड़ीकदा ते जदों दरिया विच पानी घट हो जाता ते फिर दरिया पार करता। पर यूनानी मुअर्रख अबरेन मुताबक सिकंदर ने इन्ना वक्त उड़ीकन की बजाय दरिया पार करन दा सोचिया पर यह फैसला उहदी जिंदगी दा सब तो गलत फैसला साबित होया ते उहनू फिर अपनी जिंदगी सिर्फ 33 वरियां च गुआनी पई। हाड़ दे महीने विच यूनानी फौज दा वड्डा पड़ाव खिउड़ा लून दे पहाड़ी सिलसिले विच जेलम दरिया दे कंढे ते सी ते सिकंदर ने पंजाबी फौज नूं धोखा देण लई ऐलान किया कि वह पानी घट होवण दी उड़ीक करेगा। उन्हें फौज नूं आसे पासे दे इलाकियां विच लुटमार करन ते जंग लई समान इकट्ठा करन दा हुक्म दे दिता। दूजे पासे यूनानियां दीआं कश्तियां दा बेड़ा ओह थां लभ रिहा सी जिथों दरिया पार कर सके। इन्हां कारवाइयां विच 6-7 हफ्ते लंघ गए ते सावण भादों की बारिश वसण लग पईआं ते दरिया विच तुगयानी होर वध गई। यूनानी बेड़े ने दरिया पार करने लई फौज के पड़ाव तो 16 मील अगे की थां चुनी। सिकंदर ने फौरन उस मनसूबे उत्ते अमल किया ते उन्हें 5,000 सिपाही कैंप की राखी लई छड़ दित्ते ते 11-12,000 फौजी जिहदे विच प्यादे ते सवार दोही सन लैके टुर पिया। सिकंदर के टुरदिया ही तूफान आया ते मीह वसन लग पिया। उहदे बहुते सिपाही ते जंगी समान पानी रुड़ गए। सिकंदर मसा अद्धी फौज नाल दरिया पार करके दूजे पासे अपड़िया ते पोरस नूं पता लगा ते ओह आप मुकाबले लई आया। पंजाब मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब दे इलाके मोंग दे मुकाम उत्ते जंग दा मैदान सजिया। पोरस ने अपनी जंगी हिकमत अमली मुताबक चंगी थां ते अपनी पोजीशन सांभी। सिकंदर भी फौज दे नाल मैदान विच आया पर उहदी फौज नूं ना हमवार थां लभी। पंजाबी लश्कर इस दलेरी नाल लड़िया कि यह जंग एक दिन तो भी घट जारी रही ते पंजाबी लश्कर विच मौजूद हाथियों ने यूनानी लश्कर नूं तहस नहस कर दिता ते कई सौ यूनानी जिन्हां नूं हाथियों नाल जंग दा कोई साबका तजर्बा नहीं सी ओह हाथियों दे पैरां हेठ मतोले गए ते महाराजा पोरस 6.5 फुट दा कड़ियल मर्द वह मजबूत हिसाब नाल चंगी हिकमत अमली विच वी माहर साबित होया ते महाराजा दी बहादुरी पूरे हिंदुस्तान च मशहूर हो गई। जंग दे दौरान एक पंजाबी जंगजू केशर वरिया ने सिकंदर नूं परछा मार दिता। सिकंदर के जख्मी होवण नाल यूनानी फौज की रही सही हिम्मत भी टुट गई ते उन्हां पंजाबियों नाल जंग बंदी की बेनती कर दिती। यूनानी तारीखदाना ने कुछ थावां ते सिकंदर नूं फातह लिखिया ते आख्या है कि पोरस ने गिरफ्तार होकर सिकंदर नूं आख्या मेरे नाल उही सलूक किया जाए जिहड़ा एक बादशाह दूसरे बादशाह नाल करदा है। पर जदों असी तारीख पढ़ीए तो पता चलता है कि अव्वल तो सिकंदर बादशाह ने ईरान तुर्की ते अफगानिस्तान के बादशाहों कतल कर दिता सी
ਤੇ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਲੂਕ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਫਾਤਿਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਫਤੂਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਵਾਏ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹਾਕਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਲਤਨਤ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 33 ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਮੁਹਰਕ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮੁਲਕ ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਚਿਰਾਗੁਦੀਨ ਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, PNF ਲਾਹੌਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।